वर्कोसिल के केस में हर एक मरीज अपनी तरफ से एक बेस्ट एफर्ट ही करता होगा, नो डाउट हर एक डॉक्टर भी अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करता होगा, और नो डाउट कंडीशन ऑन एनवायरमेंट और बाकी पैथोफिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो चॉइस ऑफ द ड्रग है या चॉइस ऑफ द मोड है, चाहे वो सर्जिकली क्यों ना हो, वो भी अपनी तरफ से अच्छा ही किया जाता है। सब लोग अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबके लिमिटेशन है। मैं जब ये बात आपसे बोलता हूँ तो हमेशा मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हम जो बात बताते हैं वो मैं अपनी बात नहीं बताता हूँ, जो पेशेंट हमें फीडबैक देते हैं वही चीजें हम आपको कन्वे करते हैं। ओवरऑल जब किसी को वैरिकोसिल की कंप्लेन होती है तो नो डाउट इनिशियल स्टेज में जब तक वो ग्रेड 1-2 में है उसमें एक न्यूरोलॉजिस्ट या नॉर्मल सर्जन भी एक नॉर्मल ओपिनियन देके छोड़ देता है, बोलता है जब दिक्कत होगी तब मेरे पास आना, अदरवाइज मत आना। ठीक है, जब कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है तब दवाइयाँ शुरू होती, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तो सर्जरी करवानी पड़ जाएगी। यदि आप भी वैरिकोसिल से सफ़र कर रहे हैं और यदि आप भी सर्जरी करवाने के लिए सोच रहे हैं तो मेरी राय मानिए, किसी बहुत अच्छे न्यूरोसर्जन से ही आप सर्जरी करवाइएगा जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। न्यू कमर को मत पकड़िएगा, कम से कम वो 20 साल का एक्सपीरियंस होल्डर हो जिसको वैरिकोसिल की सर्जरी का एक अच्छा अनुभव हो, नहीं तो नहीं। इसी तरह का एक केस मेरे पास एक बाबू आया है सिंह सर, इनको भी वैरिकोसिल की कंप्लेन थी। उस जमाने में कंप्लेन थी जब वैरिकोसिल नाम भी नहीं जानते थे लोग, क्यों बताया आपको वैरिकोसिल नाम तो नहीं मालूम होगा, पता नहीं था उनको। अच्छा, अपनी तरफ से एक अच्छे सर्जन से इन्होंने राय ली, सर्जन साहब ने पकड़ के ऑपरेशन कर दिया। जब तक ऑपरेशन नहीं किया गया था तब तक कोई टेस्टिकुलर एट्रोफी नहीं थी, गोलियां छोटी नहीं हुई थी, लेकिन आफ्टर द सर्जरी ऐसा हुआ और आज की डेट में राइट टेस्टिकल एट्रोफी होकर सूख रही है। बाकी इसके बारे में हम आगे 2 मिनट में बताते हैं, पहले हम उनकी स्टोरी सुनिए तब हम बात करें। बहुत सबसे पहले किस ईयर में आपको दिक्कत शुरू हुई? दिक्कत 2008 में हुआ था। 2008 में आपको क्या प्रॉब्लम है जिससे आपको लगा कि आपको सर्जन से मिलना चाहिए? तो हाइड्रोसिल हो गया था, बढ़ गया था, हाइड्रोसिल का साइज बढ़ गया जिसकी वजह से ये सर्जन से मिले। ठीक है, सर्जरी करा लिए थे। सर्जरी करवा लीजिए, उसके बाद उसके 2-3 महीने के बाद में दर्द होना चालू हुआ था। अब एक चीज मैं इंटरप्ट करूंगा, हाइड्रोसिल की साइज नॉर्मल से कितनी बड़ी हो गई थी? नॉर्मल से 3 गुना हो गया था। अब ध्यान दीजिएगा, यदि कोई ऐसी कंडीशन आपके साथ भी डेवलप हो रही तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में ही इसके लिए उपाय कर लीजिएगा। होम्योपैथी की स्कोप भी हम यही बताते चले, यदि हाइड्रोसिल की साइज अपने नॉर्मल से 1.5 गुनी तक है तब तो होम्योपैथी का स्कोप है, अदरवाइज उसका स्कोप सर्जरी ही है। लेकिन जो सर्जन सर्जरी कर रहा है वो सही होना चाहिए और सर्जन सर्जरी करने के दौरान कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन न पैदा करे जिसके बाद से वैरिकोसिल या टेस्टिकुलर एट्रोफी शुरू हो जाए। ट्यूनिका वैजिनालिस को कट करते हैं, वहाँ से सारा ड्रेनेज कर लेते हैं, ड्रेनेज करने के बाद मरीज को घर भेज देते हैं। नॉर्मल सा प्रोसीजर है जिसको एक सर्जन सही से करे तो कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी यदि हमसे कोई पूछे तो अनमैरिड केसेज में हम अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। हाइड्रोसिल देखने में तो बुरा लग रहा है और कुछ तो नहीं कर रहा है, तो उस दौरान सीमेन एनालिसिस करवा लीजिए, सब कुछ ठीक है, फैमिली प्लानिंग करिए, जो चाहे करिए। मेरी ऐसी ओपिनियन, बहुत बड़ा हो गया, बहुत परेशानी कर रहा है, तो बात है भाई सर्जरी की। उसके बाद फिर क्या दिक्कत शुरू हो गई? उसके बाद पहले तो हाइड्रोसिल था, उससे दर्द तो था नहीं, ऑपरेशन के बाद दर्द चालू हो गया। ऑपरेशन के बाद पेन शुरू हुआ राइट साइड में? दोनों साइड में दर्द हुआ। उसके लिए क्या क्या इलाज करवाया आपने? फिर बहुत जगह मैं गया, इलाज कराया, कहीं आराम नहीं मिला दर्द से। ठीक है, फिर अभी फिर डॉक्टर से गए सर्जन के पास, तो वो बताया कि दोबारा सर्जरी करा लीजिए तो ठीक हो जाएगा। तो हम भी ऐसे सुने बस और सर्जरी करवाने की, फिर दोबारा करवाएंगे। हाँ, दोबारा करवाया गया। ठीक है, दोबारा करवाने के बाद डॉक्टर सर बताया कि ये वैरिकोसिल का सर्जरी हुआ है, तब जाने हम कि वैरिकोसिल में कुछ। वैरिकोसिल की सर्जरी जो हुई थी बेटा दूसरी बार, वो राइट थी या लेफ्ट थी? दोनों किए थे, दोनों साइड की सर्जरी हुई। ठीक है, दोनों साइड की सर्जरी करवाने के बाद वैरिकोसिल की सर्जरी करवाई गई। अच्छा, जब तक इस वैरिकोसिल की सर्जरी नहीं थी तब तक फ्रैक्चर छोटा नहीं हुआ था? नहीं, छोटा नहीं था, नॉर्मल था। हाइड्रोसिल की सर्जरी हुई, नॉर्मल हो गया, उसके बाद जब दिक्कत आई, पेन डिस्कम्फर्ट हुआ, फिर वैरिकोसिल की सर्जरी की गई। वैरिकोसिल की सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन और हैजार्ड ये रहा कि राइट टेस्टिकल सूखना शुरू हो गया और एट्रोफी हो गया। ठीक है, और आज की जो प्रेजेंट रिपोर्ट है उसमें राइट टेस्टिकल एट्रोफी और लेफ्ट टेस्टिकल में ग्रेड 3 का वैरिकोसिल पड़ा हुआ है। अब लौट के आते हैं, तो क्या वैरिकोसिल की सर्जरी सक्सेसफुल रही? मेजर कॉम्प्लिकेशन में आज की डेट में सीमेन एनालिसिस करवाई गई और एजियोस्पर्मिया हो चुका है। ओलाइगो नहीं है, एजियोस्पर्मिया। एजियोस्पर्मिया मतलब स्पर्म कॉम मेल हो गया। ओलाइगो में कुछ बचे रहते तो बाकी काम भी होते।
केस सीवियरली कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मेरा स्कोप बहुत लिमिटेड हो गया है, लेकिन क्या हम उनको सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दें? क्योंकि दो सर्जरी के हजार तो हमने देख लिए, तीसरी सर्जरी के लिए खुद हिम्मत जुटा नहीं पाएंगे। मेरे लिए क्या स्कोप बचा है? मेरे लिए स्कोप ये बचा है कि कंडीशन को नॉर्मल करते हुए सीमेन क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करें यदि पॉसिबिलिटी है तो, और उसके लिए भी एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही हमें काम करना पड़ेगा। यदि आप भी वैरिकोसील की सर्जरी करवाना चाह रहे हैं, फिर दोबारा बताऊंगा, बहुत अच्छे डॉक्टर से, दिल्ली या मुंबई के जैसे अच्छे डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट लेके प्रोसीड करें और उसकी पूरा प्रोफाइल देख लें, फीडबैक ले लें, तब जाके अपनी जान जोखिम में डालें, इलाज करवाएं, सॉरी जान जोखिम में डालने की बात नहीं है, क्योंकि सर्जरी करने के बाद उसके क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे इसे कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। मीनवाइल हमारे लिए जो स्कोप बचा है वो है सीमेन की क्वालिटी को थोड़ा ठीक करना। वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक वैरिकोसील थोड़ा सा नॉर्मलाइज नहीं होगा। ग्रेड 3 में स्कोप मेरे लिए लिमिटेड है, ठीक है, बच्चा भी ये डरा हुआ है, ठीक है। अगले एक साल में मेरी होल सोल केवल कोशिश यही रहेगी कि हम कंडीशन को थोड़ा नॉर्मल करके फैमिली प्लानिंग को प्रोसीड ऑन करें, क्योंकि ये इनफर्टिलिटी का केस है। ऐसे में जब थोड़ा ठीक होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैसेज बाकी लोगों को भी देना होता है, ये समझ में आए तो फॉरवर्ड करिएगा। सर्जरी इज अ लास्ट ऑप्शन, और हम ये भी बात बोलते हैं जिस सर्जन ने सर्जरी भी उसने गलत नहीं किया होगा, उसने अपने देखने में बेस्ट पॉसिबल एफर्ट किया होगा, लेकिन उसके भी लिमिटेशंस हैं। क्या आज की डेट में डॉक्टर के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो मरीज को सीधे मना कर सके कि हमारा स्कोप नहीं है, किसी दूसरे से राय ले लीजिए? और या फिर मैं लोगों को जब सर्जरी के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं किसी को एलोपैथिक डॉक्टर के पास रिकमेंड कर सकता हूँ, तो जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है, क्यों ये एलोपैथिक डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टरों के पास रिफर नहीं करते हैं? जहाँ आपका स्कोप नहीं हुआ रिफर कर दीजिए। इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो होम्योपैथिक डॉक्टरों का भी है, वो हर केस में कूद पड़ते हैं, उनको नॉलेज भी नहीं थी, क्यों भाई होम्योपैथिक इलाज आपने लिया, होम्योपैथिक इलाज उसको पता भी नहीं है वैरिकोसील क्या होती है, उसकी पैथोलॉजी नहीं मालूम है, उसको उसका एनाटॉमी नहीं मालूम है, ठीक, वो भी कूद के इलाज करना शुरू कर देता है। ओवरऑल कहीं से भी इलाज करवाइए, अच्छी जगह से इलाज करवाइए, लेकिन ना करवाइए, और खास करके सर्जरी के केसेस में बिना फीडबैक लिए आगे ना बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो समझ में आया हो, लगे कि नहीं यूजफुल है, तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। मेरा काम केवल एक मैसेज को कन्वे करना होता है सही जगह सही तरीके से। थैंक यू।